संसार का जंजाल समाप्त होने वाला नहीं है, लगे रहेगा। एक पूरा करेंगे दूसरा लगा रहेगा। आप सूची बना लीजिए, यह हो जाएगा तो वह करेंगे। आप में से कई लोग अध्यापक होंगे, कोई बैंक में कर्मचारी होंगे, कोई कचहरी में होंगे, कोई कहीं होंगे, कोई कहीं होंगे। सोच कर देखिए, अब ये हो जाएगा तो हम भी रामायण जी का पारायण करेंगे, भजन करेंगे, काम है क्या है। दो बच्चे हैं, एक बहू आएगी, अब दो रोटी तो देवे करेगी, अब वो देगी कि उसको देना पड़ेगा, ये तो भगवान जानता है। बड़ा कठिन है। यही है जिस बात पर आप खुश हुए, यही सब जगह है। वो देगी कि वो लेगी, कि पता चला कि रोटी ही नहीं बनेगी। हरि राम, नहीं तो ध्यान में ये बात रहनी चाहिए। ये हो जाएगा तो ये करेंगे। कल घर से टेलीफोन आया, डॉक्टर साहब के नाते वो बोलेंगे तो है ही नहीं। बोली महाराज जी, कल नवमी है, हवन कौन करेगा। हमने कहा हम यहीं से कर देंगे। बोली बाबू की कथा है ये, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अगली बार आप ये नहीं करेंगे, अष्टमी को घर आना होगा, तभी तो कन्या भोजन कराना होगा। अब देखो बीटो लागू हो गया, ये गृहस्थ आश्रम है ना, इसमें गृहस्थ के धर्म का पालन करते हुए कथा भी बांचना है। यही है गृह कारज नाना जंजाला, इसी में फिट होना है। हमने बहुत यत्न किया लेकिन बना नहीं। भीलवाड़ा वाले महाराज जी तैयार नहीं हुए, थोड़ा पहले कर लेते तो हो जाता भाव। लेकिन अब बंद कुछ नहीं करना है, चलते ही रहना है। इसी में हाउ टू एडजस्ट अपने को, हाउ टू एडजस्ट, कैसे अपने को व्यवस्थित करते हुए चलना है, भजन भी बने और व्यवहार भी चलता रहे, इसका अभ्यास किया जाए, तनाव न लिया जाए, कपट में न जिया जाए, निर्मलता में जिया जाए। भगवान कहते हैं जो निर्मल है वो हमको ढूंढे नहीं, निर्मल जन मन जन सो मोही, हम उसको मिले मिलाए हैं। तो निष्कपट भाव रखते हुए भजन चलता रहे। तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ कपट जंजा। हाँ, बाबा ने निर्णय दिया ही, ये दूसरा निर्णय बाबा का है। पहला निर्णय है जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर, तो क्या देख रहे। तिनकहु मानस आगम यति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। कहाँ जा रहे हैं, किधर ध्यान है। ये पहला सिद्धांत बाबा ने दिया, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। रघुनाथ। दूसरा निर्णय, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ कपट जंजा। अब मेरे सरकार गुरुदेव के सानिध्य में चले राम लक्ष्मण सुनो सब कथा सुनाए तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए
सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहव मोर मन माना यहाँ रही है रघुबीर। एक आम की बगीची देखकर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहीं उतारा करते हैं। जनकराज महाराज ने आकर विश्वामित्र बाबा ऋषि मुनियों का सम्मान किया। सुंदर सदन जो उनका अति विशिष्ट अतिथि गृह था, यहां पर वास दिया गया। सुंदर सम्मान, भोजन, विश्राम, सांझ के 5 बजा ठीक इसी समय भगवत कथा शुरू हुई। गुरुजी कथा सुनाने लगे पुराण इतिहास की। राम लक्ष्मण गणेश प्रभु दर्शन कर रहे हैं और सुन रहे हैं। मन में झांकी दर्शन हो रही है, कान में भगवान की कथा उतर रही है, पौराणिक चर्चा हो रही है। इतने में लक्ष्मण जी महाराज इधर उधर देखे, प्रभु ने आज्ञा ली। नाथ लखन पुर देखन चाहे प्रभु सकोच डर प्रकट जो रावर आए सुनाए पाए नगर दिखाए तुरत। आपकी आज्ञा हो तो हम दिखा के ले आए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी की प्रशंसा की और कही, जाय देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सफल सबके नयन सुंदर। जाइए देखाइए और सबको धन्यता प्रदान करिए। देखन नगर भूप सुतयाये समाचार धाये काम सब आए धाम काम सब छोड़कर। क्यों? राम लक्ष्मण प्रभु को देखने हेतु जो जैसे तैसे ही धावा।